इस बार बदलाव के लिए, बदलाव करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी आपके बीच में कैंडिडेट दिया है और उस कैंडिडेट का नाम अफसर खान है और उसको चुना कर देना ये जिम्मेदारी हमारी है। और ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ की सभी आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि जब जब मुसलमानों में कोई जिम्मेदारी हुई है वंचित बहुजन अघाड़ी हमेशा आपके साथ खड़ी है। टीपू सुल्तान और औरंगजेब के स्टेटस लगाने के लिए हमारे मामलों को जेल भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ आज आप देखो तो एक तरफ गिरिराज सिंह कालीचरण महाराज है और वो 3 फुट का तेजस्वी है, वो हर जगह जाके मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बात है, उनको उनकी सही जगह दिखाने का काम वंचित बहुजन अघाड़ी ने किया है। इस महाराष्ट्र में मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए और हेट स्पीच के खिलाफ अगर किसी ने कौन सा भी कानून लाने का काम किया हो तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने एंटी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और एंटी हेट स्पीच का एक्ट लाया और ये हम सब की जिंदगी की उस बिल का नाम मोहम्मद पैगंबर रख दिया है। औरंगजेब के मजार पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, 12 साहब अंबेडकर गए औरंगजेब की मजार पे फूलों की चादर चढ़ाई और जो मुसलमान नौजवानों को अटक हो रहा था, अरेस्ट हो रहा था, वो उधर ही रुक गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मजलूमों की, वंचितों की, दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, अनुसूचित जातियों की, भटके हुए मुक्तों की, तमाम वंचितों की सत्ता आएगी और वो वंचित बहुजन अघाड़ी के ही माध्यम से आएगी। सर्वर्ण राजा जय भीम आदर सलाम। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हमारे नेता आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर, इनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हुई है और हमारे नेता एक ऐसा नेता है कि जो 5-6 दिन में अब 10 तारीख को औरंगाबाद शहर में वो सभा ले रहे हैं आसपास में, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि बाबा साहब को सुनने के लिए आसपास में भी आप लोग आए। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि उनके लिए अनेक जगहों पे दुआएं हुई, मैंने भी खुल्दाबाद शरीफ में जाके दरगाह में उनके लिए दुआएं की है, मेरी पूरी टीम ने की है। आदरणीय बाबा साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे खासदार की टिकट दी और उसके बाद मुझ पर पूरा भरोसा करके आमदार की टिकट दी। और मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मैं पिछले 25 साल से औरंगाबाद शहर में कारपोरेटर हूं और 25 साल से अलग अलग वार्डों से मैं चुनकर आता हूं, जिसमें से मेरी शुरुआत पूरे दलित समाज भीमनगर से मेरी शुरुआत हुई। मैं भीमनगर से पहली बार चुनकर आया और भीमनगर में शमशान भूमि पिछले 25-30 साल से भीमनगर में शमशान भूमि नहीं थी, तो मुझे जैसे मैं चुनकर आया सभी मेरे माताएं बहनों ने बोली कि हमको यहां से पड़ेगा जाना पड़ता है अगर किसी की मैयत होती है तो। हमारे कमिश्नर भोगे साहब थे, मैं उनके पास जाकर बैठा और मैं बोला भोगे साहब अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि मेरे वार्ड में अगर अब किसी की मैयत होती है तो मैं कारपोरेशन के गेट पे लाके अग्नि दूंगा। और वो परेशान हो गए, बोले ऐसा कैसे, आप जगह बताओ मैं शमशान भूमि बना कर देता हूं। मैं बोला वो काम मेरा नहीं है, मैं समस्या क्या है मेरे वार्ड की, मेरे लोगों की, भीमनगर की, मैं आप लोगों को बता सकता हूं। तो उन्होंने, मैंने जैसे ही बोला और मैंने भोगे साहब मैं लाके यहां पर ही चिता जलाऊंगा, तो मैंने सारे कलेक्टर के लोगों को बुलाया। मंच पर बैठे हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार अलीजनाब अफसर खान साहब, इसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी के दूसरे अधिकृत उम्मीदवार महेश निनाड़े जी, वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष योगेश बन जी और तमाम वंचित बहुजन अघाड़ी के मेरे साथी दोस्त अहबाब। साथियों, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आदरणीय सुजात दादा अंबेडकर आप तमाम के बीच में होंगे,
मैं जानता हूं आप तमाम लोग बेसब्री से आदरणीय सुजात दादा का आप इंतजार कर रहे हैं। सुजात दादा से आगे मैं चला था ताकि सुजात दादा से आने से पहले मैं कुछ भूमिका बांधूं। साथियों, हम जिस मजा से ये सभा ले रहे हैं, ये सभा आने वाले दिनों में जो है तो चुनाव के लिए है, और चुनाव ये बदलाव चाहता है, और बदलाव की आवाज वंचित बहुजन अघाड़ी है। इस बार बदलाव के लिए, बदलाव करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी आपके बीच में कैंडिडेट दिया है, और उस कैंडिडेट का नाम अफसर खान है, और उसको चुना कर देना ये जिम्मेदारी हमारी है। एसपी गड़बड़ मत करो पीछे, गड़बड़ मत करो पीछे। वंचित बहुजन अघाड़ी जहां पर पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों के मुद्दों को लेकर, एससी के मुद्दों को लेकर, एसटी के मुद्दों को लेकर, ओबीसी के मुद्दों को लेकर, मराठाओं के मुद्दों को लेकर, यानी कि इस महाराष्ट्र में रहने वाले, बसने वाले एक एक जाति जमाति के मुद्दों को उठा रही है, तो सिर्फ इसलिए कि ये सत्ताधारियों ने हमारी हालत बर्बाद करके रखी है, और इस हालत को बदलने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस पूर्व मतदान संघ से आपको एक शेर दिया है, और उस शेर का नाम अफसर खान है। आप और हम इस बार बदलाव की राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं, और हमारे वोट ये तय करेंगे कि बदलाव किस तरह से होगा। आदरणीय सुजाता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की लोकशाही रत्नभाऊ साठेंचा एकोट एकोट नारे तकबीर, नारे तकबीर। इथे उपस्थित माझ्या सगळ्या माता भगिनींना मेरी सारी खालावर अपावतो, माझ्या सगळ्या तमाम वडीलधारी मंडळींना आणि इथे उपस्थित माझ्या सगळ्या युवक बांधवांना माझा जय जिजाऊ जय शिवराय, जय ज्योती जय क्रांती, जय मल्हार जय लहूजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातू, आणि मानाचा क्रांतिकारी जय भीम। मित्रांनो, आज आपण इकडे ही सभा बघताय ती आपण लक्षात ठेवा, एक ऐतिहासिक सभा आहे, की या सभेनंतर 2019 मध्ये जी बाळासाहेबांची जी सभा झाली होती त्या सभेने जे वारं पलटलं होतं ते आता लवकरच औरंगाबाद मध्ये येत। मी आपल्याला हे आवाहन करायला आलोय की आपल्या सर्वांमध्ये लवकरात लवकर परत एकदा बाळासाहेब आंबेडकर प्रचारासाठी उतरणार आहेत, आणि आपल्या सर्वांची ही जबाबदारी आहे की जेव्हा बाळासाहेब औरंगाबाद मध्ये येतील तेव्हा आपण सर्वांनी तातडीने एक होऊन परत एकदा बाळासाहेबांना स्वागत करावं, आणि या महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या प्रस्थापितांना दाखवून द्यावं की बाळासाहेब हॉस्पिटलमध्ये असताना तुम्ही कमरेच्या खालची वक्तव्य करता, बाळासाहेब हॉस्पिटलमध्ये असताना इकडे महाविकास आघाडी आणि युतीची लोक अशा वक्तव्य करतात की लवकरात लवकर बाळासाहेबांनी मरण पावलं, हॉस्पिटलमध्ये असणाऱ्या माणसांना त्यांनी छळले, त्या माणसाच्या मागे अजूनही महाराष्ट्र आणि इकडची तमाम वंचित उभे, हे आपण सर्वांनी इकडच्या प्रस्थापितांना दाखवून द्यावं। दुसऱ्या बाजूला मला आपल्या सर्वांना एक महत्वाची विनंती करायची की आपली जी येणारी निवडणूक आहे ही निवडणूक अतिशय महत्वाची, ही निवडणूक आपली आरक्षण वाचवण्याची निवडणूक आहे, कारण आपण सर्वांनी एका बाजूला बघितलं की एका बाजूला महायुती आहे,
महायुती आपला आरक्षण संपवायचा प्रयत्न करते आणि आरक्षणामध्ये खिळा घालायचा प्रयत्न करते. एससी एसटीच्या आरक्षणामध्ये एका बाजूनी क्रिमिनलचा मुद्दा, दुसऱ्या बाजूनी वर्गीकरणाचा मुद्दा, आणि वर्गीकरण करून मध्ये आरक्षणामध्ये वर्गीकरण आणल्यानंतर आरक्षणाचे फाटे फोडून आरक्षण संपवायला इकडचे लोक मुखे. आता तुम्ही मला सांगा, जर आरक्षण नष्ट झालं तर आपल्याला परवडणार आहे का? तुम्ही आरक्षण नष्ट होऊ देणार आहात का? आणि आता आपल्याला सर्वांना ह्याच्यासाठी एकच भूमिका घ्यायची की आपलं मत हे आरक्षणाच्या बाजूने उभं करायचं, आणि जी लोक आरक्षणासाठी भांडतात त्या लोकांना आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेमध्ये पोहोचवायचं. आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की एका बाजूला महायुती आरक्षण संपवायचा प्रयत्न करते, दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडी आरक्षणाच्या विरुद्ध जेव्हा मतदान करायचा वेळ येतो तेव्हा महाविकास आघाडीची लोक गायब होतात, सभागृहात निघून जातात. आणि या परिस्थितीमध्ये एकच असा पक्ष जो ठामपणे म्हणतो की तो एससीचा असू देत, एसटीचा असू देत, दलितांचा असू देत, ओबीसींचा असू देत, आदिवासींचा असू देत, अनुसूचित जातींचा असू देत, भटक्या विमुक्तांचा असू देत, आणि त्याच्या बरोबर इकडच्या मुसलमानांना सुद्धा 5% आरक्षण मिळवून देऊन असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लागू देण्याचं काम जर या महाराष्ट्रामध्ये कोण करत असेल तर ते फक्त आणि फक्त वंचित बहुजन आघाडी. आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की या निवडणुकीमध्ये आपलं मत हे अजून कुठे नका ठेवू, आपलं मत हे आपल्या हक्काच्या माणसाच्या मागे ठेवा, आपलं मत हे आरक्षणाच्या बाजूला ठेवा. आणि इकडे बरीच लोक एक झाली. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की या औरंगाबाद मधनच सुरुवात झाली होती नामांतराची दंगल. कितीतरी लोकांनी त्याच्यामध्ये जीव गमावला, कितीतरी लोकांच्या अंगावरती खटले आले, कितीतरी लोकांचे आयुष्य कोर्ट कचेरीमध्ये पिढ्या गेल्या, आणि आता मुख्यमंत्री बनायचं स्वप्न आलं म्हणून अचानकपणे उद्धव ठाकरे साहेब एका रात्री पलटी मारतात आणि म्हणतात की मी आंबेडकर भाववादी आहे. कधी न दिसलेले लोक आता चैत्यभूमीला दिसायला लागतात. कधी त्या लोकांनी तुम्हाला नमस्कार सुद्धा म्हटले होते ना, घरी येऊन जयभीम जयभीम करायला लागले. पण या लोकांना नुसतं मी एकच आठवण करून देतो आणि इकडच्या तमाम शिवसैनिकांना माझं आवाहन आहे की महाराष्ट्राला इतिहास माहितीये आणि महाराष्ट्राने हा इतिहास बघितलाय की जेव्हा आपले पॅन्थर रस्त्यावरती येतात तेव्हा शिवसेनेचे वाद गरीब असतात. आणि इकडच्या सर्वांना आमचं आवाहन आहे, तुम्हाला वाटलं असेल की आमचा शेर घायल झालाय, तुम्हाला वाटलं की बाळासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटलमध्ये, पण तुम्ही वाटेल ते करू शकता. या सगळ्यांना मी या मंचावर सांगू इच्छितो की दिवस मोजून ठेवा, वक्त हमारा आएगा, हवा हमारी आएगी, वक्त हालात सब पलटेंगे. आणि एकदा या महाराष्ट्रामध्ये परत एकदा वंचित बहुजन आघाडीचा झेंडा सगळ्यात वरती उठणार आहे. आणि आपल्या सर्वांना पूर्वाची परिस्थिती माहितीये, आपल्या सर्वांना या मतदारसंघामध्ये काय चालू आहे माहिती. एका बाजूला इकडचे आमदार आहेत, कितीतरी वर्ष आमदार आहेत, तुमच्या घरी पाणी पोचवेल या एका आश्वासनावरती ते 10 वर्ष आमदार झाले, पण आपल्या कोणाच्या तरी घरी पाणी येत का? आणि मी अफसर खानच्या वतीने हे वचन देतो की जेव्हा अफसर खान आमदार होतील तेव्हा प्रत्येकाच्या घरी 7 दिवसाला रोज पाणी, आठवड्याला पाणी नाही 7 दिवसाला पाणी, हे अफसर खान करून देतील. प्रत्येकाच्या घरी रोज पाणी येईल, प्रत्येकाच्या घरी नवीन पाईपाची लाईन येईल, हे काम इकडे करू. औरंगाबादचा पाण्याचा प्रश्न तसाच कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्याचं काम इकडे करू. रमाबाई आंबेडकर घरकुल योजने करून इकडे सगळ्यांना घरं बनवून द्यायचं काम हे अफसरबाई करतील. प्रत्येक नागरिकाला पीआर कार्ड काढून द्यायचं काम हे सुद्धा अफसर खान करतील. आणि हे जे अवैध दारूचे अड्डे चालवतात, ब्रिज रुंदीकरणाचा नाळा खाली खालची नाळा टाकून तिकडे दारूचे अड्डे चालवतात, ते दारूचे अड्डे बंद करायचं पण काम इकडे अफसर खान नक्की करतील. आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की आपल्याला आपल्या हक्काचा, आपल्या कामाचा, आपल्या मदतीचा येणारा माणूस हवा. आपल्याला पूर्वची परिस्थिती माहितीये, आमचं पूर्वची परिस्थिती मानली
एक आमदार खड़े 10 साल से वो ही आए, सबका पैसा लूट के खीसे में डाल लिया, किसी के खाते में कुछ नहीं आया। दूसरी तरफ एक डॉक्टर थे जो मजलिस से खड़ा रहना चाहते थे, लेकिन मजलिस के एक उन लोगों ने उन्होंने तो कड़ी पार कर दिया। दूसरी तरफ मजलिस खड़ी है, उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ मजलिस की कार्यकर्ताओं के लिए मैं ये दुआ करता हूं कि उनके उम्मीदवार चुन के आ जाए, क्योंकि वो चुन के नहीं आए तो उन्हों आपके नगर सेवक की भी सीटें खाने वाली। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और ऐसी परिस्थिति में मैं आप यहाँ के सभी आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि जब जब मुसलमानों पे कोई जुल्म जाती हुई है, वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा आपके साथ खड़ी है। टीपू सुल्तान और औरंगजेब के स्टेटस लगाने के लिए हमारे नौजवानों को जेल भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ आज आप देखो तो एक तरफ गिरिराज सिंह है, कालीचरण महाराज है, और वो 3 फुट का तेजस वाले है, वो हर जगह जाके मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बात कर रहा है, उनको उनकी सही जगह दिखाने का काम ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। इस महाराष्ट्र में मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए, माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए और हेट स्पीच के खिलाफ अगर किसी ने कौन सा भी कानून लाने का काम किया हो तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी ने एंटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और एंटी हेट स्पीच का एक्ट लाया, और ये हम सब की जिद थी कि उस बिल का नाम मोहम्मद पैगंबर रख दिया जाए। और जब भी यहाँ पे मजलूमों पे अत्याचार हुआ है, यहाँ पे वंचितों पे अत्याचार हुआ है, मला माहिती आहे वेळ झालेली आहे, पण इकडे जर इलेक्शन कमिशन चा कोण असेल तर त्यांना माझी विनंती आहे, बोलते मी माईक माझ्या हातात आहे, केस लावायचे तर माझ्यावर लागतील। वंचितच्या एकाही कार्यकर्त्यावरती केस लागली तर ती खपवून घेणार नाही। आप बात समझ, जब भी हम पे जुल्म जाती हुआ एक आदमी खड़ा रहा है। औरंगजेब के मजार पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, बाला साहब अम्बेडकर गए औरंगजेब की मजार पे फूलों की चादर चढ़ाई, और जो मुसलमान नौजवान को अटक हो रहा था, अरेस्ट हो रहा था, वो उधर ही रुक गया। और आगे जाके यही काम वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिमों के लिए करेगी, मुसलमानों के लिए करेगी और तमाम वंचितों के लिए करेगी। और यही चीज हम 2019 से करना चाहते थे, लेकिन किसी एक के भूख की वजह से वो पूरा प्लान पानी में चला गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मजलूमों की, वंचितों की, दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, अनुसूचित जातियों की, भटके विमुक्तों की, तमाम वंचितों की सत्ता आएगी और वो वंचित बहुजन आघाड़ी के ही माध्यम से आएगी। इतना कहकर मैं मेरे 2 लाख रोकना चाहता हूं, और जाते जाते मैं सिर्फ एक नारा लगाना चाहता हूं, वंचित बहुजन आघाड़ी चा, वंचित बहुजन आघाड़ी चा, अपनी निशानी, अपनी निशानी, अपनी निशानी। धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय भीम, जय संविधान।